स्कूल से घर आ रही थी तो तीन लड़के खड़े थे वहाँ की जगह, माखन, कुंदन और धर्मेंद्र सिंह। उन्होंने हमारा बैग छीन लिया और बोले कि हमारे गांव से कोई स्कूल जाता, तुम क्यों जाते हो स्कूल, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे हम। इतने में मेरा भाई आया, उसने देख लिया, उसने चिल्ला चोट करी और उसने हमें बचाया तो उसको तीनों ने मारा। और फिर हमने उसको छुड़ा के हम घर गए, तभी इनके सारे परिवार वाले आ गए, लाठी फरसी ये सब लेकर, और मेरे परिवार को सबको मारा इन्होंने। सबको अलग अलग से चोटें आई है सिर में, मेरे मौसी के लड़के, मेरे नाना जी, मेरे भाई, सबको आई है चोटें। इनके इधर जिला चिकित्सालय तो हमें यह ज्ञात हुआ है कि ना पर जो प्रशासन है, प्रशासन बिल्कुल मौन है। प्रशासन ने ना इनको गंभीर चोटें आई है, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया है प्रशासन ने, खाली नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनसे प्रशासन, आरोपी से मिला हुई प्रशासन है, और हमारी बहन ने बताया है कि स्कूल जाएंगे और उठाए जाएंगे। ये 21वीं सदी में ये कौन सा कानून है? ये हमारा भाई है, केला जी छोड़िए, ये भी तो सबको कहेंगे। आज देश में दमंग द्वारा हमारी समाज को, हमारी बहन बेटियों को जो डराया जा रहा है कि देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए, जिसके बाद में भी दमंग लोग हमारे बाल बच्चे को और हमारी बहन बेटियों को पढ़ने नहीं दिया है, देना जा रहा है। ये चाहे इसको, ये बीजेपी का हाथ है, बीजेपी बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ।